हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्रीज गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको आज हम स्टेट भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें कहती क्या है, इसको समझने के लिए हमें दो क्लोज लूप्स कंसिडर करने होंगे। ये है हमारा क्लोज लूप C1 और ये है हमारा क्लोज लूप C2, और इस लूप का एरिया है A1 और इस लूप का बाउंडेड एरिया है A2। पहले लूप को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, और यहाँ पर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगा और इस करंट को हम नाम देंगे I1। आप जानते हैं, जब भी किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लूप 2 को भी क्रॉस करेंगी, C2 लूप को भी क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से लूप C2 के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और जिस भी लूप का के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्योंकि इन दोनों लूप्स को हमने पास पास रखा हुआ है। हम मान लेते हैं कि इस लूप C2 का जो कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू लूप C1, वो है हमारे पास M21। दिस इज़ द कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लूप 2 विद रिस्पेक्ट टू लूप 1। और अब हम क्या करेंगे, बैटरी को सेकेंड लूप में कनेक्ट कर देंगे और करंट को हम सेकेंड लूप में पास करवाएंगे, और लूप 1 में हम कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो पहले लूप को क्रॉस करेंगी और इसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो इस लूप का भी कुछ ना कुछ कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू लूप 2, और उसको हम नाम दे देते हैं M12। दिस इज द कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप 1 विद रिस्पेक्ट टू लूप 2। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें ये कहती है कि ये दोनों कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें ये कहती है कि जो कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इन दोनों कॉइल्स का या फिर इन दोनों लूप्स का, वो सेम रहेगा, चाहे करंट जो है इस लूप में से पास करे या फिर इस लूप में से पास करे, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। हमने इन दोनों को ही इक्वल प्रूव करना है आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इट स्टेट्स दैट कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स रिमेन सेम वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन कॉइल 1 और इन कॉइल 2। ये हमें ये कहता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है कॉइल्स की, वो हमेशा सेम रहती है, चाहे करंट जो है कॉइल 1 में से फ्लो करे या फिर कॉइल 2 में फ्लो करे। जैसे इस केस में करंट जो है वो कॉइल 1 में फ्लो कर रहा है और इसके पास हमने कॉइल C2 रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल 1 में, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस C2 कॉइल को क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो इसका कुछ ना कुछ कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसको हम मान लेते हैं M21। M21 क्या है, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। तो अगर हम करंट जो है कॉइल C2 में से फ्लो करवाते
और कॉइल C1 को कॉइल 2 के पास रखते तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक होता कॉइल C1 के साथ, जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता, जिसको हम नाम दे देते हैं M12। M12 क्या है? कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो उस केस में रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉफिशियंट जो है वो आपस में बराबर होंगे, मीन्स M12 जो है वो M21 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम प्रूव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? कंसीडर टू लूप C1 एंड C2 एट रेस्ट। तो आपने सबसे पहले दो क्लोज लूप्स कंसीडर करने हैं C1 एंड C2, जो कि रेस्ट में होंगे और एक दूसरे के पास पास होंगे। द लूप C1 कैरिंग अ करंट I1। लूप C1 में हमने एक सेल कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से इस लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जिसको हमने नाम दे दिया I1। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप C2 इज, देखिए इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लूप C2 को क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से लूप C2 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा जो कि C2 लूप के साथ लिंक्ड होगा? वो होगा Φ2। और इसको हम डिनोट करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ B वैक्टर डॉट स्मॉल एरिया एलिमेंट DA वैक्टर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है लूप C2 में, वो किसकी वजह से आया है? वो इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। ये लूप 1 है, तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा वो B1 लेना होगा। एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह लिंक हुआ है? लूप C2 के साथ लिंक हुआ है, और इसका एरिया है A2। तो अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लें, ये है हमारा DA2 वैक्टर। दिस इज अवर स्मॉल एरिया एलिमेंट DA2 वैक्टर। तो ये आपने यहाँ पर DA2 वैक्टर लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको आप शेडिड कर सकते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट को। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, कि बी वैक्टर कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ ए वैक्टर, जहाँ पर ए वैक्टर है मैग्नेटिक वैक्टर पोटेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग टू बी वैक्टर। तो इस B1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इस B1 वेक्टर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ A1 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, जहां पर A1 वेक्टर जो है वो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग टू B1 वेक्टर। अब यहां पर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो लूप्स हैं उनका कुछ ना कुछ लाइन इंटीग्रल जरूर होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A1 वेक्टर विल बी इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ A1 वेक्टर ओवर क्लोज लूप C2, क्योंकि हम यहां पर लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, तो यहां पर आएगा DL वेक्टर। अब DL क्या है? स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इस लूप C2 का, और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट को हमने डिनोट किया है DL2 वेक्टर से। तो यहाँ पर DL2 वेक्टर लेंगे, क्योंकि हमने जो लाइन इंटीग्रल लिया है वो ओवर द क्लोज लूप C2 लिया है, तो यहाँ पर C2 का ही स्मॉल एलिमेंट DL2 वेक्टर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन 1 एंड 2 तक पहुंच चुके थे। अब देखिए, Φ2 जो है वो इसके बराबर है, बट ये टर्म जो है वो इसके बराबर है, मीन्स दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है, तो बाकी दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे comparing 1 and 2 वी गेट, तो ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर है, तो Φ2 जो है वो इस लाइन इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। Φ2 इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ A1 वेक्टर डॉट DL टू वैक्टर C2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करने के लिए आपको A1 वैक्टर का एक्सप्रेशन याद रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लूप C1 का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट DL1 वैक्टर कंसिडर करना होगा, और जो A1 वैक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाएगा। नाउ A1 वैक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज A1 वैक्टर इज इक्वल टू μ0/4π क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ C1। देखिए A1 था
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन वैक्टर, और बी वन वैक्टर जो है वो इस करंट आई वन के कारण था लूप सी वन में। तो आप यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल करेंगे वो सी वन के क्लोज में करेंगे, और यहाँ पर आपको लेना होगा आई वन डी एल वन वैक्टर, और नीचे लेना होगा आर वन टू। आर वन टू क्या है? आर वन टू है पोजिशन वैक्टर ऑफ डी एल टू वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी एल वन वैक्टर। सो दिस इज यूर आर वन टू वैक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो है आर वन टू वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये एक्सप्रेशन कैसे आया इसके ऊपर पूरी अलग से एक वीडियो बन सकती है, बस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर से ए वन वैक्टर की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे और आगे के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन थ्री एंड फोर तक पहुंच चुके थे, अब फोर्थ इक्वेशन से ए वन वैक्टर की ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग फोर इन थ्री वी गेट फाइव टू इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ सी टू, यहाँ पर ए वन वैक्टर की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं म्यू नॉट बाई फोर पाई क्लोज लाइन इंटीग्रल सी वन आई वन डी एल वन वैक्टर आर वन टू, और यहाँ पर डी एल टू वैक्टर है साथ में, तो आपको डी एल टू वैक्टर लिखना पड़ेगा। तो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई वन जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फाइव टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाय आई वन फोर पाई, यहाँ पर डी एल वन पहले लिखा हुआ है तो ये वाला इंटीग्रेशन आपको पहले लिखना है क्लोज इंटीग्रेशन सी टू, फिर आपको ये वाला इंटीग्रेशन लिखना है क्लोज इंटीग्रेशन सी टू डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर, और नीचे आर वन टू ऐसे ही रहेगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। बट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा लूप सी टू के साथ जो कि है फाइव टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन लूप सी वन, और करंट कितना फ्लो हो रहा है आई वन करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो फाइव टू की वैल्यू जो आएगी वो एक कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर, जिसको हम नाम देंगे एम टू वन, और एम टू वन है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉयल टू विद रिस्पेक्ट टू कॉयल वन। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एम टू वन, और बाकी का थोड़ा सा काम और बचा है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, ये भी फाइव टू की वैल्यू है ये भी फाइव टू की वैल्यू है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग फाइव एंड सिक्स, यहाँ पर फाइव टू जो है वो एम टू वन आई वन के बराबर है, और यहाँ पर फाइव टू जो है वो इस टर्म के बराबर है, तो इस टर्म को इस टर्म के बराबर रख दिया जाएगा, आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो एम टू वन की वैल्यू जो है वो ये निकल के आ गई कॉफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप सी टू विद रिस्पेक्ट टू सी वन जो है वो इतना निकल के आ गया। आई वन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे हमने सारे स्टेप फॉलो करके एम टू वन की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से आप इस सेल को इस लूप में कनेक्ट कर सकते हैं, और सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आप इस कॉयल का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉफिशेंट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉयल, और वो निकल के आएगा आपके पास। सिमिलरली वी कैन शो एम वन टू इज इक्वल टू, यहाँ पर एम टू वन है तो यहाँ पर एम वन टू लिखना होगा म्यू नॉट बाय फोर पाई, तो ऐसे ही रहेगा। लूप जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, सी वन की जगह सी टू, सी टू की जगह सी वन आ जाएगा, तो यहाँ पर सी टू यहाँ पर सी वन आ गया। डी एल वन डी एल टू जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डी एल टू वैक्टर डॉट डी एल वन वैक्टर हो जाएगा, और नीचे आर वन टू की जगह आर टू वन आ जाएगा। ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। तो इसके बाद एक दो लाइन्स और लिखनी पड़ेंगी आपको, उसके लिए मुझे ये पोर्शन रब करना होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसको रब करने के बाद। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम एट्थ इक्वेशन तक पहुँच चुके थे, अब देखिए सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन में यहाँ पर आर वन टू है यहाँ पर आर टू वन है। आर वन टू वैक्टर क्या था? ये था पोजिशन वैक्टर ऑफ डी एल टू वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी एल वन वैक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर वन टू, जो कि सिंपली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन डी एल वन वैक्टर एंड डी एल टू वैक्टर। इसी प्रकार से आर टू वन जो होगा वो भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन डी एल वन वैक्टर एंड डी एल टू वैक्टर। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा डी एल वन वैक्टर एंड डी एल टू वैक्टर्स के बीच में, मीन्स आर वन टू जो है वो आर टू वन के बराबर होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, और यू कैन से सेपरेशन बिटवीन डी एल वन वैक्टर एंड डी एल टू वैक्टर। ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर सी वन सी टू फिर यहाँ पर सी टू सी वन है,
ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशंस है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाले दो इंटीग्रेशन आपस में इंटरचेंज करे जा सकते हैं, तो ये बराबर होंगे। बचा यहाँ पर डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर, यहाँ पर है डी एल टू वैक्टर डॉट डी एल वन वैक्टर, और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन जो हैं उनकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे सिंपली आर वन वैक्टर इक्वल टू आर टू वन वैक्टर, आर टू वन इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन डी एल वन वैक्टर एंड डी एल टू वैक्टर, डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर इज इक्वल टू डी एल टू वैक्टर डॉट डी एल वन वैक्टर, एंड इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी इंटरचेंज, सो फ्रॉम सेवन एंड एट वी हैव एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन। तो यही तो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की डेफिनेशन। तो यहाँ पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी प्रूफ होती है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें ये कहती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा कॉइल्स का वो इक्वल टू होगा, वो सेम रहेगा, चाहे करंट जो है कॉइल वन में से फ्लो करे, चाहे करंट जो है कॉइल टू में से फ्लो करे, इस बात पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं रहेगी म्यूचुअल इंडक्शंस की, वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर।